ये एक खूबसूरत अवसर है, हम लोग एक बार फिर से साथ हैं और इस यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। जीवन एक ऐसी रहस्यमय घटना है जिसे ठहर कर अनुभव किया जाता है। कभी कभी हम नहीं ठहरते तो हम उसे नहीं देख पाते। आज के वक्त में मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुदरत ने हमको ठहरने पर बाध्य कर दिया है। जो नहीं ठहरते थे उनको भी ठहरना पड़ा। जब आप ठहरते हैं और फिर अपने अंदर की हलचल को, अपनी अंदर की आपाधापी को भी जाने देते हैं, तो आप जीवन की लय में आते हैं, उसकी सिंक में, उसकी रिद्म में आते हैं। और जीवन की लय जो है वो कभी भी तुमको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती। जीवन की लय हमेशा जीवन को और सुंदर बनाने की तरफ जाती है। लेकिन जीवन को सुंदर बनाने की प्रक्रिया क्या होगी इसे कोई नहीं जानता। वो हमेशा रहस्य की परतों में घिरी हुई होती है। कुछ नया सृजित हो इसलिए कुछ पुराना तोड़ना भी पड़ता है। ये सृजन और विध्वंस का नृत्य है जो हमेशा चलता है। और अस्तित्व केवल मनुष्य में ही रुचि नहीं रखता, केवल वो ह्यूमन बीइंग में ही इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो इस टोटेलिटी में इंटरेस्टेड है, परिपूर्णता में इंटरेस्टेड है, परिपूर्णता में रुचि रखता है। तो उस परिपूर्णता में, उस टोटेलिटी में सौंदर्य किस तरह से आएगा, उसमें जो समस्वरता है वो किस तरह से आएगी, उसके अस्तित्व के अपने ढंग हैं। यहाँ कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं, अच्छे और बुरे में हम बांटते हैं, ये हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। और हमारे इंटरप्रिटेशन बदलते रहते हैं, हमारी व्याख्याएं बदलती रहती हैं। यही मनुष्य के दुख की बहुत बड़ी एक गुत्थी है कि वो अपनी व्याख्याओं के, इंटरप्रिटेशन के जगत में रहता है और वो भी निरंतर बदलती रहती हैं, क्योंकि उन पर उसके आंतरिक और बाहरी तमाम किस्म के प्रभाव अपना असर डालते हैं। तो आज के समय में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि व्याख्याओं से हटकर जीवन को थोड़ी देर ठहर कर बस देखें, बिना किसी लेबल के, बिना किसी व्याख्या के, एक दूसरे को देखें बिना किसी लेबल के, बिना किसी व्याख्या के, अपने आप को देखें बिना किसी लेबल के, बिना किसी व्याख्या के। हमारा होना क्या है, कभी इसको देखें। हमारा होना एसेंशियली यानी अनिवार्य रूप से एक इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह, अवैयक्तिक चेतना की तरह, जिसमें इंडिविजुअलिटी आरोपित करी जाती है। हम इंडिविजुअलिटी उसके ऊपर आरोपित करते हैं और फिर उस इंडिविजुअलिटी की कंडीशनिंग के थ्रू हम चलते हैं, चीज़ों को अच्छा और बुरा मानते हैं, सही और गलत मानते हैं, सुखी और दुखी होते हैं। जैसे कल्पना करिए, अभी किसी के साथ भी, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, किसी के साथ अचानक कोई दुर्घटना हो, मस्तिष्क पर चोट लगे और उसकी पूरी स्मृति चली जाए, लेकिन शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहे। स्मृति चली जाने के बाद मान लीजिए कोई भी दुर्घटना, कोई भी बीमारी हो और फिर व्यक्ति जब अपने होश में आए तो उसकी सारी मेमोरी वाइप हो चुकी हो, लेकिन फिर भी उसका होना तो होगा, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि वो कौन है, क्या है, लेकिन वो ये तो जानेगा कि मैं हूँ। इसीलिए कहते हैं कि सबसे जो डीपेस्ट एक्सपीरियंस है और रियलिटी है
वो है होने की, आई एम, मैं हूं। तो उसको भी ये पता होगा कि मैं हूं। लेकिन अब चूंकि पुरानी स्मृति उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर भी जिएगा, फिर भी वो लोगों से इंटरेक्ट करेगा, और फिर तमाम कारणों से, तमाम फैक्टर्स से वो नई कंडीशनिंग को निर्मित करेगा, एक नई आइडेंटिटी को निर्मित करेगा, और उस नई आइडेंटिटी से फिर से जीना शुरू करेगा। फिर से उसके सारे ड्वेलिटी के जो फीचर्स हैं वो लौटेंगे, फिर से वो सारे उस द्वैत के जगत में प्रवेश कर जाएगा, और उसकी पुरानी आइडेंटिटी जो जा चुकी है वो कहीं डोरमेंट पड़ी है, यानी कभी उसकी स्मृति में नहीं है। और कल्पना करिए, जैसा कि कभी कभी फिल्मों में भी कहीं कहीं आपने देखा है ऐसा, अचानक फिर कोई दुर्घटना और उसकी ये जो करेंट आइडेंटिटी थी वो चली जाए और उसकी पुरानी वाली स्मृति वापस आ जाए, तो जो अभी उसने अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करी थी वो गायब हो जाएगी और पुराने वाले सारे फीचर्स फिर लौट आएंगे। तो एक्चुअल में देखना ये पड़ेगा कि ये था कौन, ये इंसान था क्या, ये वो था या ये था। कहने का तात्पर्य है कि हम जिस भी जगत में जीते हैं वो एक बड़ा ही काल्पनिक जगत, हम जिसे अपना होना मानते हैं, अपने जिस होने में हम बड़े अटके हैं, कोई प्राइड में अटका है, कोई गिल्ट में अटका है, कोई शेम में अटका है, तो कोई किसी न किसी अलग तरह के भाव में अटका है, वो सब बड़ा ट्रांजिएंट है, बदलता हुआ, अस्थिर, जिसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है हमारी इस इम्पर्सनल बीइंग का, जो नेमलेस है, हम उसी के माध्यम से फंक्शन कर रहे हैं। तो एक मेडिटेटर के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको केवल एक फंक्शनल यूटिलिटी माने, उसको कोई अंतिम सच नहीं मानना है कि यही बहुत महत्वपूर्ण है, कि तुमसे कोई पूछे और तुमको यही तुम्हारा होना है, नहीं, तुम्हारा वो होना नहीं है। तुम्हारा होना तो अव्याख्य है, इनएक्सप्रेसिबल है। और जब तुम अपने उस होने में प्रवेश करते हो तो तुम इतनी गहरी शक्ति का अनुभव करते हो कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। कभी अपने इंडिविजुअल लेबल्स को, इंटरप्रिटेशन को हटाकर आप कुछ क्षण भी जिए तो तुम ईश्वरीय हो जाते हो, गॉडली हो जाते हो, तुम स्रोत से पूरी तरह लयबद्ध होते हो और स्रोत की सारी शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर बरसती हैं। आज के वक्त में ये बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक भी है, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये कुदरत ने ये समय दिया हुआ है जहाँ पर ये ध्यान, ध्यान से तात्पर्य मेरा किसी सर्कस एक्सरसाइज से नहीं होता, ये सभी लोग जानते हैं। ध्यान पूर्णता, डीप अंडरस्टैंडिंग, व्हाटएवर तुम जो भी समझ सकते हो उसको, वो इस समय लग्जरी नहीं है, अनिवार्यता है। ऐसा नहीं कि हम उसको कभी बाद में देखेंगे, उसको अभी देखना है, अभी हमको चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हमको बहुत ही अलग तरह से प्रभावित करेंगी, और कई बार जो शारीरिक ही नहीं मानसिक तल हैं वो भी उससे प्रभावित होने लग जाएंगे। ठीक है।